हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी का स्वागत है क्लास में। सो दिस इज क्लास 4 दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये है हमारा क्लास 4 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, सो फार वी हैव कवर्ड मेनका गांधी केस, वी हैव कवर्ड गोलकनाथ केशवानंदा भारती केस, देन मिनर्वा मिल्स केस वी हैव कवर्ड, शंकरी प्रसाद केस वी हैव कवर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आर्टिकल 21। ओके, ऑल दीज पॉइंटर्स वी हैव कवर्ड सो फार। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, क्लास शुरू करने से पहले ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए दैट अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अनअकैडमी CSE मेंटर्स वर्कशॉप। एंड हियर इन दिस वर्कशॉप इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होगी आपकी, जिसके अंदर किरण बेदी मैम एंड मृणाल पटेल सर दोनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज योर कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ योर एसए पेपर ऑल्सो, GS पेपर 4 ऑल्सो, एज वेल एज GS पेपर 2, एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस इन इंटरव्यू एज वेल ऑन दिस टॉपिक, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। वॉट इज द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, कैसे ये हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आपके पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस सेशन ऑन December 9th 5:30 PM। ओके, एंड ओवर हियर यू कैन यूज दिस कोड Arpita10 ऑल्सो। ठीक है, आप ये कोड भी यूज कर सकते हो Arpita10 टू अनलॉक द फ्री प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, क्लास शुरू करते हैं अपनी। चलो, सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस। द केस इज, राइट इट डाउन, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। ठीक है, ये आपका केस है 1985 का। ठीक है, दिस इज द केस belonging to 1985. Again, it's very, very important for your prelims as well as GS paper 2. Now, when we study any case, first of all, what we study? We study the main theme. सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं जब भी कोई केस पढ़ते हैं? Main theme क्या है उस केस का? ठीक है, what is the reason? What is the main topic of that case on which the case was discussed or verdict was passed? तो main theme was, please write it down, इसको please लिख लीजिए, questioning the sanctity of or the importance and relevantness of the personal religious law. जो आपका personal religious laws होते हैं उनकी क्या importance है, क्या महत्व वो रखते हैं आपकी life में, उनकी sanctity क्या है personal religious laws की। ठीक है, and bringing the debate on a universal or you can say uniform civil code, ठीक है, uniform civil code to the forefront of national discourse, ठीक है, this was the main theme of this case. ये था इस केस की मेन थीम। सबसे पहले तो डिस्कस करना था कि व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ पर्सनल रिलीजियस लॉस, सेकंड ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हाउ यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड टू इन दी अमंगस्ट दी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो द केस स्टार्ट्स फ्रॉम April 1985। ये जो पूरा केस है ये शुरू होता है आपका April 1985 से। The Supreme Court delivered a judgment on the maintenance of a divorced Muslim woman, right? तो Supreme Court ने एक judgment pass की थी, you can also write it down, Supreme Court ने एक judgment pass की थी and the judgment was delivered on the maintenance of, right, a divorced Muslim woman, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट केप्ट फॉरवर्ड दैट अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड इन केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। इसमें शाह बानो बेगम जो थी वो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, शी वॉज डिवोर्स्ड एंड शी वॉन्टेड दैट हर हस्बैंड शुड
यू नो गिव हर मेंटेनेंस टू मेन टू यू नो प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन एंड हर लाइवलीहुड. तो अपने बच्चों को अपने लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटेनेंस की बात की गई थी. तो इस केस में जजमेंट पास की गई थी कि डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन जो है शी विल बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड. जिससे डिवोर्स हुआ है उससे मेंटेनेंस मिलेगा, शी हैज़ द राइट. एंड दिस केस इज सीन एज यू नो वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन मुस्लिम वुमेन्स राइट फाइट्स फॉर राइट्स इन इंडिया. जो मुस्लिम वुमेन है इससे पहले क्या होता था कि इफ दे आर लेफ्ट बाय देयर हस्बैंड और इफ दे आर डाइवोर्स्ड अब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन बाय हर हस्बैंड देन शी डिड नॉट यूज टू रिसीव द मेंटेनेंस. बट दिस केस टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन. इट ऑल्सो वॉज द केस विच सेट द मुस्लिम पर्सनल लॉ. इस केस ने एक ग्राउंड सेट कर दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए. इट लेड द ग्राउंड्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन टू मेक लेजिटिमेट क्लेम्स विच दे वर नॉट अलाउड बिफोर. इससे पहले जो चीज़ें उनको अलाउड नहीं थी, ठीक है, अब अलाउ होने लगी. यानी कि मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता जो होता है, ठीक है, अचानक अगर पति ने तलाक 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 बोलकर छोड़ दिया फिर वो बेचारी पत्नी अपने बच्चों को कैसे पालेगी, ठीक है. तो इसलिए ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी टाइम तक ये केस यू नो न्यूज़ में भी बना रहा. अभी 2018 तक ये केस काफ़ी चर्चा में था. तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड. नाउ व्हाट वाज द जजमेंट ओवर हियर, राइट इट डाउन. अब इसमें जजमेंट लिख लेते हैं, क्या जजमेंट थी इस केस में. दैट द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू एलिमोनी, द राइट टू एलिमोनी दैट इज द मनी टू मेंटेन हर चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन इन द केस और इन दिस केस. द जजमेंट set off, that means it started a political series of political battle. काफ़ी politics हुआ था इस judgment के ऊपर भी, ठीक है, as well as a controversy. It also started off a controversy about the extent to which the courts can interfere in the Muslim personal law. तो हुआ क्या, जब औरतों को ये हक मिल गया कि आप अपने कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा आपके पति से, तो आपको पता ही है मेल एंड फीमेल द ईगो क्लैश. सो दैट इज़ वाई द मुस्लिम्स दे थॉट इट इज़ एन इंटरफेरेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आर पर्सनल लॉ. हमारे पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. सो इट स्टार्टेड ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट टू वॉट एक्सटेंट सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन आर लॉ, ठीक है. तो ये था आपका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस. यहां तक बात समझ आ रही है सबको, ठीक है, ओके, यस नितिन, इन दिस केस इट वाज ओके. नाउ कमिंग ऑन टू वेरी फेमस केस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस केस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना कितने बच्चों ने ये नाम सुना है. इंदिरा शौनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सबने सुना होगा. ये जो मी टू मूवमेंट चला था, राइट, फिर ये जो रिजर्वेशंस चले थे 2019 में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी इन 2019. देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, CAA, रिजर्वेशन, मी टू एंड वॉट नॉट. सो वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स हाईलाइटेड द इंदिरा शौनी जजमेंट ऑल्सो ऑफ 1992. उनमें से एक प्रॉब्लम ऐसी भी थी जिसने इंदिरा शौनी जजमेंट वापस सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर पहुँच गई थी, ठीक है. सो वॉट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस जजमेंट, इस केस की मेन थीम क्या है समझ लेते हैं. वॉट वॉज द मेन थीम, डिलीवरिंग द डिसीजन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मेन थीम वॉज, राइट इट डाउन, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशंस. अब यहाँ पर आपका मेन टॉपिक शुरू होगा. 2019 में महाराष्ट्र कॉन्ट्रोवर्सी आपने सबने सुनी होगी. इन 2018 एंड 19 देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र ऑन रिजर्वेशन. देर वर सो मेनी इशूज, CAA, मी टू मूवमेंट, रिजर्वेशन, यू नो, कॉन्ट्रोवर्सीज. सो वन ऑफ दोज कॉन्ट्रोवर्सीज वर रिलेटेड टू रिजर्वेशन विच हाईलाइटेड द जजमेंट पास्ट इन इंदिरा शौनी केस. सो वॉट हैपेंड दैट इन द ईयर 1992, अब 1992 में क्या हुआ, इन द इंदिरा शौनी जजमेंट, ISG मीन्स इंदिरा शौनी जजमेंट, द कोर्ट अपहेल्ड, राइट इट डाउन, द कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स मूव एंड प्रोक्लेम्ड
and proclaimed that the advanced sections among the OBC, अब advanced section means the creamy layer, among the OBC category also, right, the creamy layer, that means people who are earning well in this category also, इस category में जो लोग सही financial situation में रह रहे हैं, सही financial income है, ठीक है, वो लोग are known as advanced sections. So the advanced sections among OBCs, that is the creamy layer among the OBCs, they must be excluded from the list of beneficiaries of reservation. Now according to you, was this observation of Supreme Court correct, yes or no? आपके हिसाब से क्या ये observation जो है Supreme Court की correct है, सही रही है, हाँ या ना, जल्दी से बताएं कि जो OBCs में क्रीमी लेयर के लोग हैं, हु कैन अफोर्ड एजुकेशन, हु कैन अफोर्ड रिसोर्सेज, बुक्स, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एवरीथिंग वेरी वेल, दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, यस, ओके. ओबीसी में जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाना नहीं है एक टाइम का, ठीक है, so they should be given the reservation who really deserve it, but the creamy layer who are well off, ये तो बिल्कुल well off हैं, उनको हटा देना चाहिए, ठीक है. It also held, Supreme Court ने यहाँ पर एक और बात कही, ठीक है, Supreme Court also held, write it down, Supreme Court also held that the concept of creamy layer, जो concept है creamy layer का, write it down, the concept of creamy layer must be excluded for SCs and STs also. अब SCs and STs को जो reservation दी जाती है, ठीक है, वहाँ भी creamy layer में जो लोग आते हैं उनको हटाना चाहिए, ठीक है, they also should be removed. Now see, if you are able to afford free classes, if you are able to afford books, if you are able to afford the pen or register or paper, right, or the education or the electricity, then in that case don't you think that the reservation should be given to those who cannot afford, who are sitting under the street lights, who do not have the books, required books, they are on the mercy of other people, or they are trying to fetch books from outside for free of cost, unko reservation milni chahiye jinke paas cheezon ka, resources ka real mein abhav hai. अगर आपके पास सब कुछ है, आप क्रीमी लेयर में हो, तो रिजर्वेशन आपको नहीं, उन लोगों के पास जानी चाहिए. बट इन टुडेज केस व्हाट इज हैपनिंग दैट मेनी पीपल इन आवर कंट्री बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, दे आर फोर्जिंग डॉक्यूमेंट्स टू स्नैच अवे रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन को एक तरीके से फ्री का एक कूपन समझते हैं कि अरे इसके थ्रू तो हमें फ्री में कहीं भी सीट मिल जाएगी, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है. द क्रीमी लेयर, some of the people, they are indulged in corruption, yes or no? Newspaper में cases भी आते हैं, many people they are indulged in corruption also, not everybody but some of them, कुछ लोग corruption में भी involved होते हैं, तो documents की धोखाधड़ी करते हैं, नकली documents बनवाएंगे, ठीक है, तो ये भी होता है. even in the EWS category, in UPSC में अब जब EWS category लॉन्च की है, इसमें भी काफ़ी लोगों ने झूठे documents बनाने की कोशिश की है, yes or no? ठीक है, reservation पाने के लिए. सो करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी स्फीयर, हर स्फीयर में, हर फेज में करप्शन है ही है, ठीक है. सो द इंदिरा शॉने जजमेंट, ये जो वर्डिक्ट पास हुई थी, जो हमने अभी पढ़ी है, इट ऑल्सो हेल्ड, राइट इट डाउन, इट ऑल्सो हेल्ड दैट देयर वुड बी रिजर्वेशन ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि आगे जो प्रमोशंस होंगी ना, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, बस अपॉइंटमेंट के टाइम पीरियड में रिजर्वेशन मिलेगी, एंड नॉट द प्रमोशंस. सो रिजर्वेशन विल नॉट बी गिवन इन प्रमोशंस दैट बेस्ड ऑन योर कास्ट यू विल बी प्रमोटेड, नो, ओनली इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन कैन बी यूज्ड. बट द गवर्नमेंट थ्रू द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, Article 16 clause 4A to the constitution, and in this government ne isme kya kiya, it empowered the state to make provisions for
to make the provisions for reservation in matters of promotion to scheduled caste and scheduled tribe employees. Supreme Court ne very clearly it said that in promotions reservation will not be given. Only in initial appointment reservation will be given. Promotions will be given on the basis of your hard work. Promotion to aapke hard work ke basis pe milega. Initial appointment mein reservation ke through aap aa sakte ho. But government ne kya kiya isme? Article 16(4)(a) ko introduce kiya. और कहा कि स्टेट्स को हम एम्पावर कर रहे हैं कि आप प्रमोशन में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉयज को रिजर्वेशन दे सकते हो इफ द स्टेट फील्स दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. अगर उस केस में जिस केस में स्टेट को लगता है कि एससी एसटी ट्राइब के जो लोग हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं मिल रहा है या जॉब मिल गई है उसके अंदर सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप उन्हें प्रमोशन दे सकते हो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन देयर फील्ड इन देयर जॉब यू कैन गिव देम रिजर्वेशन. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. ऋषिराज कर तो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इधर या हमने क्या पढ़ा इतनी देर से? एक्सक्लूड किया है क्रीमी लेयर को, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग ही पॉइंट ऐड कर दिया ना. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देन सुप्रीम कोर्ट सेड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटरफेयर नाउ. तो सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अनदर पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट सेड इन अ जजमेंट दैट वी आर कैपिंग और लिमिटिंग द रिजर्वेशन. आप अपनी तरफ से जो पॉइंट ऐड करना है करते रहो, हम रिजर्वेशन कोटा को लिमिट कर रहे हैं एट 50% और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करने की बात कर रहा था 51%. दैट इज वाई इट वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी. सो सुप्रीम कोर्ट हैज लिमिटेड द कैप ऑन रिजर्वेशन. रिजर्वेशन कोटा 50% तक का रहेगा हर स्टेट में, उससे ज्यादा नहीं दे सकते. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताओ अर्चित, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए आर्टिकल या नया क्लॉज ऐड करते हो तो अमेंड करना पड़ता है, ऑल्टर यानी कि चेंज करना पड़ता है. ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी फेमस केस. एक बहुत फेमस केस की बात करते हैं. अगर आपने सुना है नाम तो आप बताइएगा. इफ यू हैव हर्ड द नेम प्लीज लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ यू हैड हर्ड अबाउट द विशाखा गाइडलाइंस? कितने बच्चों ने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा है या सुना है? दिस वॉज अगेन द हाईलाइट ऑफ 2019. इसकी वर्डिक्ट 2019 में हाईलाइट थी, 2018 में हाईलाइटेड थी. किससे रिलेटेड है, थीम बताओ जरा इसका. लेट सी, अगर सुना है नाम तो आप थीम भी बता पाओगे. वॉट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस? लक्ष्य सिंह, विमेन इज नॉट द थीम. मैंने थीम पूछा है, जल्दी से बताएं थीम. जिन बच्चों ने इसका नाम सुना है विशाखा गाइडलाइंस का, द थीम इज, राइट इट डाउन, इनोवेटिंग ज्यूरिसप्रूडेंस टू प्रिवेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट. अब याद आ रहा है सबको, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. यानी कि न्यूज़ नहीं पढ़ी है ढंग से आप लोगों ने, इसलिए थीम नहीं बता पाए. ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना आप शुरू कर दो. ठीक है, इनोवेटिंग ज्यूरिसप्रूडेंस टू प्रिवेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. ठीक है, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जहाँ औरतें काम कर रही हैं वहां अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई केस आता है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट जुडिशियल एक्टिविज्म रीच्ड इट्स पिनकल इन द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस. ठीक है, तो यहां पर ना जुडिशियल रिव्यू टर्म कहां पर पढ़ा था हमने? इन विच केस डिड वी स्टडी अबाउट द टर्म जुडिशियल रिव्यू? इंदिरा गांधी वर्सेज राज नरेन के केस में पढ़ा था या नहीं सुबह? ठीक है, इन द फर्स्ट वीडियो वी स्टडीड द टर्म जुडिशियल रिव्यू इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी वर्सेज राज नरेन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस, राइट?
बट जुडिशियल एक्टिविज्म केस वी हैव स्टडीड इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ द जजमेंट वॉज अनप्रेसिडेंटेड, जो इस केस में जजमेंट आई है वो काफ़ी बढ़िया जजमेंट कहलाई गई है उस समय की, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्नॉलेज किया, इट एक्नॉलेज्ड एंड रियलाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज। इस केस में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल रूल्स, लॉज एंड ट्रीटीज पे डिपेंड किया, दैट हैड नॉट बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्युनिसिपल लॉ, जो कि लॉ में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, ट्रीटीज थी, डिस्कशंस थे, डिस्कोर्सेस थे विमेन हैरेसमेंट के ऊपर या सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, सिर्फ डिस्कशंस एंड डिबेट्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट स्टडीड देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंटरप्रेटेड देम, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड, राइट इट डाउन, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द फर्स्ट, राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर वन, द फर्स्ट अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट इन इंडिया। भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट की इससे पहले कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, तो केस कैसे फाइल करें, प्रूफ कैसे करें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ही हुआ है, हाउ टू प्रूव दैट इट इज द केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, देयर वाज नो डेफिनेशन। बट फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस प्रोवाइडेड अ वेरी क्लियर कट अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन इंडिया। समझ आई बात सबको यहाँ पर? इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अब इंडिया में अर्लियर बिफोर दिस केस, बिफोर 1997, इन इंडिया देर वॉज नो सच लेजिस्लेशन रिलेटेड टू सेक्शुअल हैरेसमेंट, डेफिनेशन ही नहीं थी, ठीक है। देर वॉज नो सच डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट, इफ समबडी इज टचिंग यू इन अप्रोप्रिएटली दैट अमाउंट टू सेक्शुअल हैरेसमेंट, अगर कोई आपको धमकी देकर आपसे कुछ फेवर ले रहा है दैट इज सेक्शुअल हैरेसमेंट, राइट। नोबडी कैन थ्रेट यू, राइट, नोबडी कैन थ्रेट यू टू डिस्ट्रॉय योर डिग्निटी, दैट विल अमाउंट टू सेक्शुअल हैरेसमेंट, राइट। नोबडी कैन फोर्स यू इन द नेम ऑफ प्रमोशन, कोई गलत काम करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता प्रमोशन के नाम पर, वो सेक्शुअल हैरेसमेंट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं थी तो कोई लेजिस्लेशन नहीं था, बिकॉज देर वॉज नो डेफिनेशन बिफोर 1997, देर वॉज नो लेजिस्लेशन। सो द कोर्ट स्टेटेड दैट इट वॉज फ्री टू रिलाई ऑन several international treaties in order to pass legislation or form legislation in India against sexual harassment. अब government को Supreme Court ने direct किया, Supreme Court directed the government to form legislations, क्योंकि legislation कौन form करेगा, parliament करेगी, who will form the legislations or laws, parliament, and who is responsible for implementing them, executive, कौन implement करता है, executive करता है। अब first thing in the comment section please let me know, Who executes the government policies? Executive में कौन कौन आएगा? Who will be a part of executive? Give me one example. Very good, Akshay. Yes, the civil servant, the officers, IAS, IPS, IRS. आप लोग executive का part बनने वाले हो. You are all going to become a part of executive. ठीक है? So the parliament, if it passes any legislation, you need to इम्प्लीमेंट देम, आप उसको इम्प्लीमेंट कराओगे, द स्टेट लेवल मिनिस्टर्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट यू हैव टू, यू नो, इफ वी हैव फ्रेम्ड अ डेफिनेशन, नाउ यू हैव टू फॉर्म लेजिस्लेशंस, हमने तो डेफिनेशन फ्रेम कर दिया, अब आप लेजिस्लेशंस फॉर्म करो, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट द कोर्ट, you can write that the court also stated that it was free to rely on the convention, it was free to rely on the convention on the elimination of, this is an international convention, write down its name, it is important for prelims, convention on the elimination of all forms of डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिस पर रिलाई करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट पास करी थी, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन,
ठीक है, एंड दिस कन्वेंशन वॉज साइंड बाय इंडिया ऑल्सो, इसका सिग्नेटरी इंडिया भी था इन द ईयर 1980। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रिलिम्स, ये आपके प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एंड वी यूज्ड द कंटेंट ऑफ दिस कन्वेंशन, वी यूज्ड इट इन इंटरप्रिटिंग आर्टिकल्स 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने जो कन्वेंशन 1980 में साइन किया था, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वी यूज्ड द कंटेंट्स ऑफ दिस कन्वेंशन टू इंटरप्रेट आर्टिकल 14, 15, 19, 215 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? If this much is clear, please let me know. So let us understand what is the definition of sexual harassment given by the Supreme Court. अब ये definition क्या है sexual harassment की जो Supreme Court ने दी है, ये समझते हैं, ठीक है। So definition, write it down. It includes, ये बहुत important है essay paper के लिए आपके, ठीक है। Definition includes such unwelcome sexually determined बिहेवियर, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। इट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो इफ यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू हैरेस समबडी, और इनडायरेक्टली यू आर पासिंग सर्टन जेस्टर्स, सर्टन यू नो कॉमेंट्स दैट अमाउंट्स टू सेक्शुअल हैरेसमेंट, ठीक है। सो सच अनवेलकम सेक्शुअली डिटरमाइंड बिहेवियर सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, आप फिजिकली उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, या तो आप फिजिकली उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको फिर फिजिकली इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, और अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर वॉट, फॉर सेक्शुअल फेवर्स, ठीक है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू सेक्शुअल हरासमेंट, ठीक है। देन सेक्शुअली कलर्ड मार्क्स, और यू कैन से कॉमेंट्स और रिमार्क्स, ठीक है, तो आप किसी की सेक्शुअलिटी पर रिमार्क कर रहे हो, वो भी हैरेसमेंट में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, आप अगर फोर्सफुली पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो किसी को, ठीक है, तो वो भी आएगा। एंड एनी अदर अनवेलकम क्यों वर्ड डाला गया है, दैट विच समथिंग विच इज नॉट लाइक दर by the you know women or she is uncomfortable with it, that is unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature, that will amount to be sexual harassment, उसको हम sexual harassment की definition में डालेंगे। यहाँ तक points clear हो गए सबको? Please let me know if the points are clear to this paragraph. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 4 बजे। नाउ द नेक्स्ट क्लास विल बी एट 4 o'clock, ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, टू गेट द क्लास नोटिफिकेशन एंड क्लास मटीरियल, ओके। आई होप दिस क्लास वॉज इंजॉयबल फॉर ऑल ऑफ यू। सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमने लिख लिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिख लिए। Thank you everyone for participating in the class.